हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चे, एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो बच्चों, अभी आप लोग अपने प्रिपरेशन में ठीक है थोड़ा बिजी होंगे, तो आई थिंक आप लोग इतना ध्यान दे नहीं रहे होगे। सो ये वीडियो मुझे बनाना था बिकॉज मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे IIT 24 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बच्चे अभी आपको आई थिंक पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 22 में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो अराउंड 22 के थे, मतलब 22,000 के अराउंड बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। 23 में ये नंबर 44 के हुआ था, एंड बच्चे 2024 में ये नंबर ह्यूज डिफरेंस दिखा है, मतलब ये शॉकिंग है बच्चों। मैं क्या बोलूँ, ये मतलब किसी ने इतना भी लाइक गेस नहीं किया था। मैंने भी सोचा था कि मैक्स टू मैक्स 60,000 to 70,000 के अराउंड मैक्स टू मैक्स एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है, मैक्स टू मैक्स होता था। बट बच्चे अभी IIT 24 का जो एप्लीकेशन है उसमें बच्चों 1,00,000 बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं एंड काउंटिंग, बिकॉज अभी 13 मई लास्ट डे था 13 मई। तो बच्चे अभी तो बच्चों जो भी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है वो तो कंटिन्यूसली भरेंगे। सो अभी जहाँ तक लग रहा है बच्चे कि 10 to 15 के बच्चे मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 10 to 15 के बच्चे मिनिमम और फॉर्म भरेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि जब से नीट का एग्ज़ाम ओवर हुआ है ठीक है, तब से डेली का डेली ग्रोथ अराउंड 10K के आसपास, मतलब 10,000 बच्चे डेली का डेली फॉर्म फिलअप करते जा रहे हैं तब से, एंड ये नंबर अभी चल ही रहा है। सो जहाँ तक मुझे लगता है डेफिनेटली 1,15,000 to 20,000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरेंगे। सो बच्चों आपको ठीक है इसको सीरियसली लेना पड़ेगा बच्चों, कंपटीशन आपका इंक्रीज़ होने वाला है। बिकॉज पिछली साल एंड उससे पिछली साल आप खुद सोचो ना, बच्चे बहुत कम थे। बच्चे अभी आप 23 का देखो तो अराउंड ओनली 44 के बच्चों ने फॉर्म भरा था, बट रियलिटी में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे वो अराउंड 33 के आसपास थे। आप खुद सोचो इस बार उसका उसका डबल क्या बच्चों, उसके 3x 3 times बच्चे ज़्यादा हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा ठीक है, और अभी से बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ, वरना आप छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगर आप अभी कंपटीशन को सीरियसली नहीं लोगे तो आप जो भी आपके पास ये एक चांस है उसको मिस कर दोगे आईसर में आने का ठीक है। सो बच्चों हुआ क्या कि आपको पता होगा 23 में जेई एडवांस मतलब था जिससे बच्चे आ सकते थे, एक चैनल था, KBPOI एवोलिश हो गया था बट जेई एडवांस था। बट 24 में आप जानते हो ओनली IIT चैनल है, बाकी सारे चैनल्स एवोलिश हो चुके हैं। सो इसका मतलब एक चीज़ बच्चों आपको फ़ायदा है, जो कि पहले क्या होता था कि 25% मतलब देखो आईजेड में टोटल जो सीट है 1933 मतलब 1933 सीट है, 1933 इतनी सीट्स है। सो होता क्या था टिल 2022 तक बताता हूँ, टू तक क्या होता था कि बच्चे 25% सीट आपके जेई और KBPOI के थ्रू भरे जाते थे। बट ये साल 24 से आप जानते हो कि सारे एग्ज़ाम लाइक एवोलिश हो गए, सिर्फ IIT ही एक एग्ज़ाम आइजर आने का, तो मतलब 100% जो सीट्स होंगे वो आइजर के थ्रू फिल किए जाएंगे ओके। सो बच्चों अब काफ़ी बच्चों का डाउट होगा भैया सेफ स्कोर, बच्चों ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया था, तो ये सेफ स्कोर चेंज होने वाला नहीं है बिकॉज ये कंपटीशन को मैंने एनालाइज करके ही बनाया था। तो ये सेफ स्कोर आपका अराउंड इतना ही रहने वाला है। बट मैं बच्चों आपसे फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे सीरियसली आइसर को टारगेट कर रहे हो बच्चों, तो अभी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप सीरियस हो जाओ, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइम दो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो ठीक है। आप अनवांटेड टाइम वेस्ट मत करना बिकॉज कॉम्पिटिशन बच्चों बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, आपको खुद देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में देखते हैं अभी टिल कितने बच्चे रजिस्टर करते हैं, मैं उसका भी अपडेट आपको दूंगा। तो मिलते हैं आपसे।